दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट गोट सेल स्टार्ट होने वाली है और अब मैं आपको बता दूं कि आज फ्लिपकार्ट की गोट सेल में कौन कौन से स्मार्टफोन होने वाले हैं, कौन कौन से स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ये जो लिस्ट है फ्लिपकार्ट ने रिवील कर दिया है। आज के इस वीडियो में से बात करने वाला हूं कि कौन कौन से जो स्मार्टफोन से वो यहां पर लिस्ट किए गए हैं फ्लिपकार्ट की गोट सेल में डिस्काउंट के लिए, इन स्मार्टफोन पे कितना ज्यादा डिस्काउंट होने वाला है, आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी कर लेना। फटाफट से बात करते हैं फ्लिपकार्ट की गोट सेल के बारे में कि ये जो सेल है इसमें कौन कौन से जो स्मार्टफोन से फ्लिपकार्ट ने लिस्ट किया है डिस्काउंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो स्मार्टफोन की लिस्ट है वो फिलहाल यहां पर लाइव हो गई है और अगर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन पे कौन कौन से कार्ड यूज करने पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये चीज फ्लिपकार्ट ने रिवील कर दिया है। इसमें आपको एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDB फर्स्ट बैंक का जो कार्ड है अगर आप यूज करते हैं तीनों बैंक का कार्ड तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप फ्लिपकार्ट UPI का यूज करते हैं तो 50 रुपीज का आपको ऑफ ट्रांजेक्शन पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिटेल है। अगर बात करें कौन कौन से फोन रखे गए हैं, सबसे पहले यहां पर आईफोन से स्टार्ट करते हैं। आईफोन 15 यहां पर इस सेल में देखने को मिलने वाला है। अब ये फोन जो है वो कितने का आपको देखने को मिलेगा ये अभी तक फ्लिपकार्ट ने रिवील नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही ये चीजें रिवील हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको मोटोरोला की तरफ से आने वाले लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन मोटो H50 फ्यूजन ये भी देखने को मिलने वाला है। इस पे आपको अच्छी प्राइस कट देखने को मिलने वाली है। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S23 FE जो स्मार्टफोन है वो भी देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 5G ये भी मिलने वाला है। नथिंग फोन 2A मोटो H50 प्रो 5G भी देखने को मिलेगा। आईफोन की तरफ से आईफोन 14 प्लस आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहां पर आपको वीवो T2 प्रो 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। रियलमी की तरफ से रियलमी 12 प्रो 5G देखने को मिलने वाला है। आईफोन 15 प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा। नथिंग फोन 2A भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ पोको की तरफ से आने वाला पोको X6 Pro 5G भी देखने को मिलेगा। गूगल पिक्सल सीरीज की तरफ से आने वाला गूगल पिक्सल 7 भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ रियलमी 12 Pro Plus भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला मोटो H50 अल्ट्रा भी आपको मिलने वाला है। पोको F6 5G भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में कुछ अगर अंडर 20,000 के स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला स्मार्टफोन मिलने वाला है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 12X 5G। साथ ही साथ आपको Vivo की तरफ से आने वाला Vivo T3X 5G देखने को मिलेगा। Motorola की तरफ से आने वाला Moto G64 5G, Realme P1 Pro 5G, साथ ही साथ Samsung की तरफ से आने वाला Samsung Galaxy F15 5G, Vivo की तरफ से आने वाला Vivo T3 5G, Redmi 12 5G, Samsung Galaxy F34 5G, Realme P1 5G और यहां पर आपको Poco X6 Neo 5G भी देखने को मिलने वाला है। तो आप देखेंगे तो ज्यादातर जो फोन है वो यहां पर 5G टारगेट किए गए हैं। इस सेल में आपको 4G फोन मुश्किल से एक दो देखने को मिले, या फिर अगर आप यहां पर 10,000 से नीचे की बजट में आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4G स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। पोको की तरफ से आने वाला पोको M6 Pro 5G अंडर 10,000 की बजट में आपको मिलने वाला है। रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी 13C 4G आपको मिलने वाला है। आपको मोटो की तरफ से आने वाला मोटो G34 5G भी देखने को मिल जाएगा, ये अंडर 10,000 की बजट में आने वाला है। साथ ही साथ रेडमी 13C 5G अंडर 10,000, पोको C65 5G जो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी C63 4G स्मार्टफोन मिलने वाला है, पोको की तरफ से आने वाला पोको M6 5G मिलने वाला है। तो ये कुछ 5G स्मार्टफोन है जो कि आपको अंडर 10,000 के बजट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ फिलहाल यहां पर स्मार्टफोन डील्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट ने बता दिया है कि ये जो स्मार्टफोन हैं आपको फ्लिपकार्ट की इस सेल में गोट सेल में मिलने वाले हैं। अब हालांकि इन स्मार्टफोन पे कितना डिस्काउंट होगा, कौन सा फोन कितने का मिलने वाला है, ये सारी चीजें अभी तक फ्लिपकार्ट ने रिवील नहीं किया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो चीजें हैं वो रिवील हो जाएंगी, उसके बाद मैं सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर दूंगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, आप इस सेल में कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।